जब भी हम मार्स यानी कि मंगल ग्रह का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है जो किसी फिक्शनल मूवी से कम नहीं होता। हम खुद को एस्ट्रोनॉट सूट में देखने लगते हैं और यह कल्पना करते वक्त हम खुद को मार्स पर चलता हुआ दिखते हैं। यदि हम बच्चों की कल्पना की बात करें तो वह इससे कुछ हद तक फिक्शनल तरीके से इमेजिन करते हैं, परंतु जहां तक बात वैज्ञानिकों की है वह सारे तथ्यों को अपने दिमाग में रखकर ही आगे की सोचते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो वह साइंटिफिकली पॉसिबल ही सोचते हैं और कल्पना करते हैं। तो फाइनली हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस अनोखे सफर के लिए। तो शुरुआत करते हैं कुछ अलग तरीके के इमेजिनेशन से। क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यदि हम धरती का सारा जल यानी कि पानी मार्स पर ले जाएं? इस बात पर एक बार तो आप विचार जरूर कीजिएगा। वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से तो यह पूर्ण रूप से असंभव है, पर क्या होगा अगर यह सच में एक दिन मुमकिन हो जाए? यदि हमारे पास भविष्य में ऐसी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है तो क्या हम धरती का सारा पानी ड्रेन करके मार्स पर ले जा सकते हैं? हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा समस्त ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। हम जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा स्पेस के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो आइए फिर से बात करते हैं कि धरती का सारा पानी मार्स पर ले जाना सच में संभव हो सकता है या नहीं। इसका जवाब दे पाना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि कुछ हद तक यह पॉसिबल तो हो सकता है आइंस्टाइन की वर्म होल थ्योरी की मदद से, परंतु वैज्ञानिक आज भी पूरी तरीके से इस बात पर श्योर नहीं है। वर्म होल थ्योरी के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है क्या। वर्म होल थ्योरी को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या आइंस्टाइन रोजन वर्म होल थ्योरी के नाम से भी पूरे दुनिया में जाना जाता है। आसान भाषा में बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हम स्पेस में टनल की तरह दो जगहों से कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी टनल को पार करते हैं तो उसके एक सिरे से एंट्री करते हैं और दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार यह पूर्ण रूप से संभव है। यह स्पेस टनल कुछ मीटर का भी हो सकता है या फिर अरबों प्रकाश वर्ष लंबा भी। इतना ही नहीं बल्कि इस टनल को तो अलग अलग समय या फिर अलग अलग ब्रह्मांड से भी जोड़ा जा सकता है। अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि धरती का सारा पानी मार्स पर ट्रांसफर करने के लिए कोई वर्म होल थ्योरी को ही क्यों याद करता है। यदि हम वर्म होल थ्योरी का उपयोग करके धरती का सारा पानी मार्स पर ले जा सकते हैं तो उसी प्रकार से तो हम किसी भी ग्रह पर ले जा सकते हैं, तो फिर हमने मार्स को ही क्यों चुना? इसका सीधा सा जवाब है, बाकी ग्रहों के मुकाबले मार्स ही इकलौता ऐसा ग्रह है जो धरती के सबसे ज्यादा नजदीक है। अब हमने यह तो जान लिया कि वर्म होल क्या होता है, कैसा होता है, अब हम इस थ्योरी को असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल करना है जरा इसके बारे में भी विचार कर लेते हैं। वर्म होल का एक सिरा धरती पर उपस्थित पैसिफिक महासागर के मारियाना ट्रेंच में होगा, जो पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है, और दूसरा सिरा होगा मंगल ग्रह की वह लोकेशन जहां पर क्यूरियोसिटी रोवर का संपर्क हमसे टूटा था। वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर पानी की तलाश में ही भेजा था, तो कुछ इस तरह हम एक टनल सफलतापूर्वक बना पाएंगे। तो अब यह जानना है कि इस एक्सपेरिमेंट की कल्पना में धरती और मार्स पर क्या फर्क पड़ने वाला है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर पानी का बहुत हद तक दुरुपयोग होता है, यानी पानी बर्बाद किया जाता है। तो क्यों ना आज हम फाइनली इस धरती पर मौजूद इस कीमती पानी को ऐसे ग्रह पर डाल दें जहां पर मानव सभ्यता की उम्मीद सबसे ज्यादा है। जी हाँ, मैं जरूर मार्स की बात कर रहा हूँ। तो एक बार फिर अच्छे से बात कर लेते हैं दोनों सिरों के बारे में। धरती पर जो एक सिरा मारियाना ट्रेंच में होगा, हमें उसे अप्लाई करते वक्त धरती के मैग्नेटिक फील्ड से जितना हो सके उतना दूर रखना होगा। इसका एक ही कारण है कि जब हम पानी को वर्टिकल दिशा में मार्स पर भेजेंगे तब वह ग्रेविटी के चलते गलती से हमारे एटमॉस्फेयर में ही बादल बनकर ना आ जाए। यदि ऐसा गलती से भी होता है ना, तो हमें धरती पर भयंकर वातावरण का तथा बहुत ही नुकसानदायक बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए हमें धरती के एटमॉस्फेयर को बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी, ताकि हम छोटे से छोटे बदलाव को तुरंत मॉनिटर कर किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकें। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सबसे पहले इस काल्पनिक एक्सपेरिमेंट की वजह से धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पानी ड्रेन होने की वजह से सी लेवल 50 मीटर नीचे चला जाएगा
तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पानी की एक भी बूंद नहीं बचेगी। जी हाँ, पानी के सिर्फ 50 मीटर के नीचे जाने से भौगोलिक नजरिए से यदि हम श्रीलंका और भारत को देखें तब वह जुड़े हुए दिखेंगे। ऐसा सिर्फ भारत और श्रीलंका के साथ नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। आपको शायद ही पता होगा पर नीदरलैंड नामक देश में बाढ़ आती जाती रहती है। जब पानी ड्रेन किया जाएगा तो नीदरलैंड चैन की सांस ले पाएगा और उसे अब बाढ़ को झेलने की कोई जरूरत नहीं होगी। नीदरलैंड को बाढ़ की वजह से हो रहे नुकसान को अब और नहीं झेलना होगा, इसीलिए नीदरलैंड के पास अब बहुत मात्रा में जमीन उपलब्ध होगी। शायद नीदरलैंड इससे आर्थिक और भौगोलिक सफलता प्राप्त कर पाएगा। अब बात करते हैं जब पानी 100 मीटर ड्रेन हो जाएगा तब क्या होगा। अलग अलग जमीनी सीमाओं से घिरे होने की वजह से ब्लैक सी कुछ ही देर में ही ड्रेन होना बंद हो जाएगा, परंतु पैसिफिक महासागर से जुड़े अन्य सागर ड्रेन होना जारी रखेंगे। जब पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हुआ था तब नीदरलैंड के उत्तरी दिशा में नॉर्थ सी हुआ करता था, पर अब वहां जमीन देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि नीदरलैंड फिर से इस जमीन का उपयोग आर्थिक और भौगोलिक उत्पत्ति के लिए कर सकेगा। आपको यह जानने में बड़ी हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड के पास करीब 600 आइलैंड हुआ करते थे और पानी के ड्रेन होने की वजह से अब वहां पर नए नए आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे पानी नीचे चला जाएगा यानी ड्रेन होता चला जाएगा, वैसे वैसे अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे। आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे हमें कई नई चीजें देखने को मिलेंगी जो वैज्ञानिकों के लिए भी मजेदार और रोमांचक साबित होंगी। जब पानी 1 किलोमीटर घट जाएगा तब न्यूजीलैंड काफी बड़ा हो चुका होगा। अब न्यूजीलैंड का वह हिस्सा हर कोई देख पाएगा जो एक समय पर पानी के नीचे दबा हुआ था। परंतु आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब पानी 1 किलोमीटर नीचे ड्रेन हो चुका होगा तब नीदरलैंड्स और नॉर्थ अमेरिका के बीच का हिस्सा जो एक समय पानी के नीचे हुआ करता था अब वह पानी के ड्रेन होने के चलते एक ब्रिज बनकर बाहर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक ब्रिज जो नीदरलैंड और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ेगा। यह चौंकाने वाला नजारा हर कोई देख पाएगा। जब पानी 5 किलोमीटर ड्रेन हो जाएगा तब लगभग सारे महासागरों में से पानी ड्रेन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर महासागर पैसिफिक महासागर से ही जुड़े हैं और अब पैसिफिक महासागर की भी ड्रेन होने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसके चलते कई अन्य देशों के पास अभी खुद के छोटे छोटे समुद्र ही उपलब्ध होंगे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं मार्स की। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्महोल का दूसरा सिरा क्यूरियोसिटी रोवर के ऊपर है, तो हमें क्यूरियोसिटी रोवर की लोकेशन जान लेनी चाहिए। इस वक्त क्यूरियोसिटी रोवर जेजेरो क्रेटर में है पानी की तलाश के लिए। एक और जरूरी बात आपको बता दूं कि हमारी धरती पर तो पानी लिक्विड फॉर्म में है, परंतु ऐसा मार्स पर नहीं है। मार्स में पानी सॉलिड फॉर्म और गैस फॉर्म में ही होगा। बस हमें अब किसी सैटेलाइट की मदद से मार्स पर भर रहे पानी पर नजर रखनी होगी। जैसा कि मैंने आप सबसे यह कहा कि मार्स पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है बल्कि वह तो गैसियस या फिर सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका कारण ये है कि मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड 95% से भी ज्यादा है। जी हाँ, इसी के चलते वहां पर पानी सॉलिड फॉर्म में है। मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होने के चलते सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबलना शुरू हो सकता है। वहीं धरती पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्स की सूर्य से दूरी धरती के मुकाबले ज्यादा है। यदि मार्स पर तापमान -63 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो सारा पानी सॉलिड फॉर्म यानी बर्फ बन जाएगा, और यदि 10 डिग्री हुआ तो सारा पानी भाप बन जाएगा। इस समय क्यूरियोसिटी रोवर जिस क्रेटर में उपस्थित है वहां पर धीरे धीरे पानी छोड़ने के बाद वहां क्रेटर में मौजूद जो पहाड़ हैं वह ठीक एक आइलैंड की तरह दिखाई पड़ेगा। उस गेल क्रेटर में मौजूद पहाड़ का नाम माउंट शार्प है, यह माउंट एवरेस्ट से केवल 32% छोटा है। हम वहां वर्महोल्स के चलते पानी को उस क्रेटर में बरसाने तो वाले हैं, परंतु हमें एक बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा कि पानी की गति कम नहीं होनी चाहिए। पानी की गति थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, इस वजह से हम मार्स पर होने वाले बदलाव को ठीक तरह से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि क्यूरियोसिटी रोवर भी उस क्रेटर में पूरी तरह से डूब चुका होगा। मार्स का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग आधा होने के कारण मार्स पर बने समुद्र धरती के मुकाबले दोगुना गहरे होंगे। अब हम एक नतीजे पर निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं कि धरती पर से लाया पानी का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होने के कारण वह मार्स पर केवल कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक ही टिक सकता है।
एक बात आप सभी को क्लियर कर दूं कि यह सब काल्पनिक दृष्टिकोण से सोचा गया है, और यदि फ्यूचर में हमारे पास कुछ ऐसी उपलब्धियां मुमकिन हो जाती हैं जिससे हम यह एक्सपेरिमेंट सच में कर पाएंगे तो यह सबके लिए भी लाभदायक हो सकता है और नुकसानदायक भी, परंतु बेशक वैज्ञानिकों के लिए तो यह रोमांचक सफर होगा। साथ ही साथ यह अमूल्य एक्सपेरिमेंट इतिहास रच देगा और यह मानव की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक होगा। हमें एक चीज का भी ध्यान रखना होगा, यदि हम धरती का ज्यादातर पानी मार्स पर छोड़ देंगे तो हमें इंसानी सभ्यता पर काबू रखना होगा। इस एक्सपेरिमेंट के चलते कई मासूम जानवरों को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। अब हमें सोच विचार करना ही होगा, क्योंकि पहले ही धरती पर पानी प्रदूषित हो चुका है और ज्यादातर लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। पानी के महत्व को नजरअंदाज न करते हुए हमें एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पार करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।